5 smartest character in animes to watch. Yuichi Katagiri from the series Tomodachi Game. ये character अपने friends को सबसे ऊपर रखता है, पर इसमें एक secret है. वो है इस main character का past. और उस past में वो क्या सीखा था, वो बहुत ही ज्यादा interesting है. ये कोई average smart character नहीं है. ये बहुत ही ज्यादा compelling और इसे list में most entertaining character है. ये Tomodachi Game series उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, मतलब okay ish है, पर इसमें ये character बहुत ही ज्यादा interesting है. Ayano Koji Kiyotaka from Classroom of the Elite. ये एक high schooler है जिसने सारे टेस्ट में 50 स्कोर किया है और क्लास डी में सेलेक्ट हुआ है. और हमको पता चलता है कि इस कैरेक्टर्स के साथ इस स्कूल में ही एक बड़ा ट्विस्ट है. अयानो कोजी ये एक बैकग्राउंड कैरेक्टर का परफेक्ट डेफिनेशन है. जल्दी हमें पता चलता है कि ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है. और ऑब्वियसली नॉर्मल टिपिकल हाई स्कूलर जैसा तो नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और अच्छे ज्यादा कूल है. लाइट यागामी फ्रॉम डेथ नोट. ये कैरेक्टर आप सबको पता होगा, पर फिर भी नहीं देखा है तो जाके देखो. एक दिन इसको एक नोटबुक मिलता है जिसमें किसी का भी नाम लिखो तो मर जाते हैं. ये जापान का स्मार्टेस्ट हाई स्कूलर है और स्पोर्ट्स जैसे टेनिस में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसीलिए वो उस दुनिया से बोर्ड हो चुका है और अपने बाप को एक रोल मॉडल कंसीडर करता है एक अच्छा आदमी के लिए. ये स्मार्ट कैरेक्टर होने के साथ ये एक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर भी है. इस शो में एक और स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है जिसका नाम है येल्लो. वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को बिना प्रिपेयर करे पास हो जाता है और उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स लाता है. और उसने 8 साल के उम्र में World War III को रोक दिया था. लिल्यूश वी ब्रिटानिया फ्रॉम कोड गियास. एक दिन इस कैरेक्टर को एक लड़की मिलती है जिसके पास गियास पावर है और वो लड़की उस पावर को लुलुश को देती है. इस गियास पावर से वो लोगों को कंट्रोल कर सकता है. लुलुश बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और चेस में पहले किंग को मूव करता है और सीक्रेटली एक प्रिंस भी है. और इस लिस्ट में लुलुश का मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले. और लास्ट कैरेक्टर है द लिटरल मॉन्स्टर जोहान फ्रॉम मॉन्स्टर एनीमे. ये बाकी लोगों जैसा नहीं है, ये एंटागनिस्ट है, मेन कैरेक्टर नहीं है. और जोहान बाकी स्मार्ट कैरेक्टर जैसा भी नहीं है, ये जेनेटिकली सुपीरियर है. प्योर ईवल, सीरियल किलर और क्राइम्स करके आराम से बच जाता है. ये एक्चुअल डेविल है, ट्रू मॉन्स्टर और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है इन्हें फिलोसॉफिकल वे. बाय.